नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज को लेकर। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज है क्या। अक्सर काफी पेशेंट्स डायबिटीज के आते हैं अलग अलग परेशानियों के साथ आते हैं। किसी को आंख से देखने में दिक्कत होती है, तो किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी को हार्ट की परेशानियां हैं, किसी के पाँव में घाव हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, किसी को हाथ पाँव में झंझनाहट, सुन्नपन, लहर जैसी दिक्कतें। अलग अलग परेशानियों के साथ डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं। लेकिन डायबिटीज है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये कॉमनली दो तरह का डायबिटीज होता है, से टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के अलावा एक प्री डायबिटीज भी एक कंडीशन होती है। प्री डायबिटीज में ब्लड शुगर इतना नहीं बढ़ा रहता है कि हम उसे डायबिटीज कहते हैं, लेकिन वो शुगर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लगता है, और अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो बाद में चलकर डायबिटीज होने का रिस्क हो जाता है। अगर HbA1c की बात करें तो 5.7 से अगर 6.4 के बीच में अगर है तो उसे प्री डायबिटीज कहा जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो इंसुलिन होता है वो नहीं बना सकता है। इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज में, जो हमारे पेट में रहता है लीवर के नीचे, और ये इंसुलिन बनाता है। इसके आइलेट सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन बनाते हैं, और किसी कारणवश ये इंसुलिन नहीं बना पाता, तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो टाइप 1 डायबिटीज चूंकि इंसुलिन बन ही नहीं पाता है तो हम लोग इंसुलिन से ही इलाज करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज, इसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन काम नहीं करता है। इसके लिए दवाइयां भी दी जाती हैं और इंसुलिन भी दिया जाता है। जैसा परेशानी रहा, जैसा शुगर का लेवल रहा, उस तरह की दवाइयाँ आती हैं और वैसे इसका इलाज किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज को लेकर। जैसा मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, तो इसमें लक्षण क्या आते हैं। तो लक्षण बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मुंह सूख रहा हो, बार बार पेशाब हो रहा हो, भूख ज्यादा लग रही हो, हाथ पाँव में झंझनाहट, अकड़न, बॉडी में पेन होना या पेशाब की दिक्कत होना, अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा पेशाब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, मुंह सूख रहा हो, ऐसा इन्फेक्शन हो जा रहा हो जिसे छूटने में काफ़ी समय लग रहा हो, आंखों से देखने में धुंधलाहट महसूस हो रही हो, खुजली बार बार हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, वीकनेस, कमजोरी या वजन का कम होना, ये सब डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको चीनी की जांच करवानी चाहिए, शुगर की जांच करवानी चाहिए। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज होने का रिस्क किसे ज्यादा है, किसे ज्यादा होगा डायबिटीज का रिस्क, टाइप 2 डायबिटीज खासकर। तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क उन्हें ज्यादा होता है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, जिनके किसी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव को डायबिटीज है, जैसे माता पिता या उनके पिता को डायबिटीज है, भाई बहन में किसी को डायबिटीज है तो भी रिस्क डायबिटीज का ज्यादा है। अगर आप मोटे हो, वजन ज्यादा है और फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि अगर डायबिटीज का है तो आपको डायबिटीज का होने का रिस्क आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। थैंक यू।